हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आता है तो टाइमली बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गेट 2024 लिखे होंगे, और गाइस गेट 2024 के हिसाब से भी काफी सारे रिक्रूटमेंट जो है बैक टू बैक अब आ रही है। कई सारे PSU जिन्होंने अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाले थे वो भी अपनी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और कुछ PSU ऐसा होता है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन निकालते ही नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ जाती है उनकी, तो वो भी आ रही है। तो गाइस, आज का नोटिफिकेशन काफी अच्छा नोटिफिकेशन आया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर फंक्शन करता है, यहां पे रिक्रूटमेंट हो रही है 249 मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल इन सेल थ्रू गेट 2024। और गाइज, सेल जो है महारत्ना PSU की कैटेगरी में आता है। तो गाइज, आप सबको मैं बता दूं, महारत्ना कैटेगरी के जितने भी PSU होते हैं वहां पर जो वर्क लाइफ होता है, जॉब लाइफ होती है, वो काफी अच्छी होती है, और सैलरी का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा रहता है। यहां पर अगर हम बात करें गाइज, 249 यंग एनर्जेटिक इंजीनियर्स को A1 ग्रेड पे ये लेने वाले हैं मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की पोस्ट पर। वैकेंसीज अगर ब्रांच वाइज हम बात करें गाइस, तो केमिकल के लिए यहां पर 10 वैकेंसीज आई है, सिविल के लिए 21 वैकेंसीज आई है, कंप्यूटर साइंस के लिए 9 वैकेंसीज आई है, इलेक्ट्रिकल के लिए 61 वैकेंसीज आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 वैकेंसीज आई है, इंस्ट्रूमेशन के लिए 11 वैकेंसीज, मैकेनिकल के लिए 69 वैकेंसीज, और मेटलर्जी के लिए यहां पर 63 वैकेंसीज जो है वो आप लोगों के लिए आई है। ऐसे ही आप रिजर्वेशन वाइज देखो गाइस, तो टोटल पोस्ट जो है 249 है, जिसमें जनरल के लिए 103, ओबीसी एनसीएल के लिए 67, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18, और ईडब्ल्यूएस के लिए 24 यहां पर अवेलेबल है। तो गाइज, आप में से काफी सारे स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गाइज अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, मैकेनिकल, मेटलर्जी या इलेक्ट्रिकल, इनमें आपको अच्छी खासी वैकेंसीज का नंबर देखने को मिल रहा है। तो काफी स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होंगे कि सर कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, गेट 2024 में हमारा कितना गेट स्कोर होना चाहिए जिसके बिहाफ पर हम यहां पर अप्लाई कर पाए। तो गाइज, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको एक वीडियो के थ्रू पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक प्रॉपर एनालिसिस करके दूं, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक प्रॉपर वीडियो आएगा जिसमें इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है तो वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपके पास एक आइडिया रहेगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखें गाइज, अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर इन्होंने रखी है, 25/7/2024 के हिसाब से काउंट होगी। और यहां पर अगर हम देखें गाइज, रिलेक्शन भी है SC ST के लिए 5 ईयर, OBC NCL के लिए 3 ईयर, और PWD के लिए भी अगर आप यहां पर देखो गाइज, तो एज रिलेक्शन यहां पर अवेलेबल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री आपकी होनी चाहिए इंजीनियरिंग में 65% मार्क्स के साथ, चाहे आप केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जी से अगर आपने किया है तो आप यहां पे एलिजिबल हो। इसके अलावा गाइज, अगर हम ग्रेजुएशन के हिसाब से देखें गाइज, तो मैकेनिकल अगर आपका मान लीजिए जो मैकेनिकल वाली पोस्ट है उसमें इनमें से किसी भी फील्ड में जो मैकेनिकल और मैकेनिकल से जो रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे मैकेनिकल ऑटोमेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइंस, तो आप यहां पर एलिजिबल हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में अगर आप इनमें से किसी भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड फील्ड में ग्रेजुएशन किया तो आप एलिजिबल हो, बाकी ब्रांचेस के लिए भी ऐसा ही है। यहां पर आप अगर SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो मैक्सिमम परसेंटेज, यहां पे मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए उसमें जो एज रिलेक्शन है वो भी यहां पर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा गाइज, यहां पर आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए वो भी मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसेस गेट 2024 के हिसाब स्कोर कार्ड के बिहाफ पर ये लोग आपका करने वाले हैं। तो गेट 2024 की जो परफॉर्मेंस रेशियो है उसके बाद यहां पर अगर आप देख पा रहे हो 75, 10 और 15 का वेटेज यहां पर रहेगा। इंटरव्यू भी ये लोग आपका कंडक्ट करने वाले हैं, GD भी आपका ये कंडक्ट करने वाले हैं। तो इंटरव्यू, GD और गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। यहां पर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे, सर GD के लिए क्या प्रिपेयर करें, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर जितने भी बच्चे हैं गेट 2024 के जो टॉपर्स है या बाकी जो स्टूडेंट है, वो कई सारे PSUs के इंटरव्यू, GD, इन सबकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। और जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है गेट से, उसकी PDF और अप्लाई करने की लिंक वगैरह भी वहां पर मिल जाती है। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा हम देखें गाइस, जो भी कैंडिडेट है गेट 2024 के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके हिसाब से आप यहां पर रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हो। उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.sale.co.in रहेगी, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन आपका करना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब आपको डालना है। उसके अलावा यहां पर अगर आप देखो गाइज, 1/12 के रेशियो में यहां आपको बुलाने वाले हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पे 65 वैकेंसीज है तो 1/12 मतलब अगर गेट स्कोर देखोगे काफ़ी ज़्यादा गेट स्कोर वाले बच्चों को भी ये बुलाने वाले हैं। तो गाइज उसके लिए मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पूरी वीडियो आपको लेके आ जाऊंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो ऐसी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा गाइज यहाँ पर हम
देखेंगे कि इन्होंने ट्रेनिंग एंड उनका पूरा डायरेक्शन दे रखा है। सैलरी इनिशियली मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अगर आप जब इंटर करते हो तो 50,000 से 1,60,000 होता है ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड, और जिसमें आपका बेसिक पे 50,000 और बाकी सारे जो चीज़ें होती है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपका सैलरी स्लैब 60,000 से लेकर 1,80,000 होता है, जिसमें बेसिक पे 60,000, उसके अलावा बहुत सारे जो अदर अलाउंसेज होते हैं जो यहाँ मेंशन है, तो वो सारे अलाउंसेज आपके ऐड होते हैं उसमें। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, तो 1,80,000 तक आप इस सैलरी स्लैब में हर साल 3% एनुअल इंक्रीमेंट होता है, तो आप इस सैलरी स्लैब में यहाँ तक पहुँच सकते हो। बट अगर आपका प्रमोशन होता है तो ये सैलरी स्लैब भी आपका चेंज हो जाता है, तो उस हिसाब से आपका सैलरी डिसाइड होता है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, तो ऑलमोस्ट आपका जो CTC रहेगा वो 16 to 17 लाख के आसपास रहने वाला है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जो भी आपके गेट स्कोर कार्ड है, वैलिड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सब आपको डालने होंगे। उसके बाद ये लोग आपको शॉर्ट लिस्टेड करके इंटरव्यू के लिए फाइनली ये आपको इन्वाइट करने वाले हैं। तो गाइज, ये PDF जो है कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। यहाँ पर मैं आपको अगर इसकी डेट भी बता दूँ तो डेट 5/7/2024 से स्टार्ट हो रहा है और 25/7/2024 है। तो 20 डेज का टाइम है आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। एज सून एज पॉसिबल आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसे और भी नोटिफिकेशन जो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड है आपको मिले? क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, बाकी अदर डाउट्स है, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।